अलियापाड़ा राजकीय विद्यालय में शिक्षक नहीं होने को लेकर गुस्साए छात्र व अभिभावकों ने विद्यालय पर जड़ा ताला। मंत्री मुरारीलाल का है पैतृक गांव। गुस्साए ग्रामीणों ने आज स्कूल भवन पर पहुंचकर सुबह से ही ताला जड़ दिया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं बाहर खड़े हैं। वहीं अभिभावक भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को स्कूल प्रशासन पूर्व में ही लिख चुका है लेटर शिक्षक लगाने के लिए, पर अभी तक 1 महीना गुजर जाने के बाद भी नहीं लगाए शिक्षक, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने आज विद्यालय पर ताला जड़ दिया है। वहीं स्कूल में लगभग 300 के छात्र बताए जा रहे हैं। वहीं विद्यालय में 9 पद शिक्षकों के खाली हैं। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र का है पूरा मामला, अभी तक नहीं पहुंचा है विद्यालय पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। वहीं बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में आए दिन ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कल भी झोंपड़ीन गांव में विद्यालय में अध्यापक नहीं होने को लेकर किया गया था अभिभावकों के द्वारा प्रदर्शन, जिसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पन्नालाल ने एक शिक्षक की व्यवस्था करके आंदोलन को कराया था समाप्त। ये हमारा विद्यालय ग्राम अलियापाड़ा राज जो सीनियर विद्यालय है, इसमें 12 क्लास हैं। 12 क्लासों के पे सिर्फ 4 आदमी का स्टाफ है। L1 में कोई टीचर नहीं है। L2 पे सिर्फ एक आदमी है, जिसके भरोसे 8 क्लास हैं। अब 8 क्लास हैं, एक आदमी अपन जानते हैं कैसे संभाल सकता है। ये बच्चों का भविष्य आप सोच लीजिए, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है कि ये गर्त में जा रहा है, क्या हो रहा है। सर राम के एक व्याख्याता है जिसमें 3 क्लास है। मैथ का कोई टीचर नहीं है, सरकार का नहीं है, कोई नहीं है। 10 पोस्ट खाली है विद्यालय के अंदर। तो उच्च अधिकारियों के सामने निवेदन करते हैं कि हमारे विद्यालय में ऐसे ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 टीचरों की व्यवस्था कीजिए। आज ही कम से कम 50 बार जितने भी इस बात से अवगत करा चुके हैं, बैठे हैं सारे, इनका पक्का इरादा है कि जब तक हमारे विद्यालय के अंदर स्टाफ नहीं लगेगा, जब तक यहाँ विद्यालय गेट छोड़ के घर नहीं जाएंगे, चाहे दिन 10 हो जाए।